टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रैली का आयोजन किया गया है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी, मतदान के लिए किया जागरूक। डीएम और सीडीओ लोगों को जागरूक करते दिखे, मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई है, मतदान के लिए जागरूक किया गया। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, डीएम और सीडीओ लोगों को जागरूक करते दिखे, मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, डीएम और सीडीओ ने लोगों को जागरूक किया। जब मतदान में अब कुछ ही वक्त बचा है और उससे पहले जनता को जागरूक किया जा रहा है, और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। धीरज, क्या ऐसा नजारा देखने को मिला जब इस रैली को हरी झंडी दिखाई गई? लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जो वोटिंग रैली को लेकर जो है जागरूक रैली जो निकाली गई, उसको हरी झंडी दिखा करके बाकायदा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में सहयोग करें, और अगर आपकी वोट न बनी हो तो उसके लिए बाकायदा जो है बूथ लगाए जा रहे हैं जहाँ पे वोटिंग बनवाई जा रही है लोगों के द्वारा। जिलाधिकारी को बिल्कुल पूरी तरह से जिलाधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई भी गलती न होने पाए। जी, डीएमओ सीडीओ ने किस तरह से लोगों को जागरूक किया, क्या कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया? देखिए, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ जो रैली को हरी झंडी दिखा करके रैली के द्वारा लोगों को गांव-गांव ये रैली जाएगी, लोगों को जागरूक करेगी, पूरी तरीके से पूरी जागरूकता दिखाते हुए लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आपकी वोट में कोई भी नाम या मिस्टेक है तो उसको बिल्कुल सुधरवाएं, और आगे जो वोटिंग जो चुनाव आ रहे हैं वहाँ पूरी तरीके से वोटिंग करें, कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूरी तरीके से बाकायदा उन्होंने अपना नंबर जारी किया, उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ धीरज जुड़े थे संवाददाता लखीमपुर खीरी से। भाजपा विधायक का विवादित बयान, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपुर से सुशील शाक्य ने दिया बयान, विधायक ने जनता की याददाश्त को बताया कमजोर। विधानसभा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों को मिली मदद, जनता को दी जाती है योजनाओं की जानकारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट का मामला, भाजपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां अमृतपुर से सुशील शाक्य ने विवादित बयान दिया है। विधायक ने जनता की याददाश्त को कमजोर बताया। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। सुंदरम, किस तरह के विवादित बोल सुनाई दिए थे? जो ये मामला है, जो हमारे विधायक अमृतपुर विधायक है सुशील शाक्य, इनके द्वारा जन प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया था जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, वहीं पर एक विवादित इनका बयान है। उसमें कहा गया था कि जनता की जो याददाश्त बहुत कमजोर रहती है, जनता भूल जाती है, इसीलिए योगी मोदी सरकार के जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था जनप्रतिनिधियों का। उन्हें बुक्स और ये वगैरह बांटी गई थी कि जनता तक अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। जी सुंदरम, आखिर कौन सी योजना के बारे में बताना चाहते हैं मंत्री जी, जिसको बताने के लिए कह रहे हैं कि जनता भूल जाती है? ये जो योगी सरकार की जो भी कार्य रहे हैं 4.5 वर्ष में, इसी के संदर्भ में जो ग्राम प्रधान और जो बीडीओ जिला पंचायत सदस्य थे इनको बुलाया गया था, और ये जो कार्य 4.5 वर्ष के दौरान रहे हैं योगी सरकार के, उनको बताने के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फर्रुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर, इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह सीएम योगी चंपा देवी पार्क जाएंगे, बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर, इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह सीएम योगी जाएंगे चंपा देवी पार्क, बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे मुख्य अतिथि। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज सुबह से योगी चंपा देवी पार्क जाएंगे, बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे मुख्य अतिथि। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह से योगी जाएंगे चंपा देवी पार्क, बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे मुख्य अतिथि। तो जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जनता के बीच उपस्थित होंगे और आज सुबह सीएम योगी के चंपा देवी पार्क जाने की खबर सामने आई है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है सीएम के कार्यक्रम की? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर कल ही आगमन हो चुका था। कल वो मानबेला में जो प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबी वितरण किए और रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में किए। क्योंकि आज जो है चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए लगातार सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर उनका आगमन होगा और चंपा देवी पार्क में जो बूथ अध्यक्ष के बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो विचार विमर्श करेंगे और चुनाव जीतने का गुरु मंत्र भी देंगे। जी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद रहेंगे, तो जनता को क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? जी, बात करें जनता की सौगात देने की, तो मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर अपने प्रवास पे आते हैं तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल को बहुत बड़ी सौगात देते हैं। माना जा रहा है आज कुछ घोषणा मंच से हो सकती है और लोगों को कुछ उपहार जो है चुनाव के पहले मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता गोविंद जुड़े थे गोरखपुर से। संदिग्ध हालत में कूड़े के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, स्थानीय लोगों के मुताबिक नशे का लती था युवक, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फतेहपुर के सदर कोतवाली का मामला, संदिग्ध हालत में कूड़े के पास मिला युवक का शव, फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों के मुताबिक नशे का लती था युवक, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो फतेहपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां सदर कोतवाली का मामला बताया जा रहा है, कूड़े के पास युवक का शव मिला है और स्थानीय लोगों ने बताया है कि काफी नशा करता था ये युवक, बुरी लत थी इसे नशे की और अब पुलिस ने इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। आज गोरखपुर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा देंगे जीत का मंत्र। 12 बजे गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर मंदिर पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1 बजे पहुंचेंगे चंपा देवी पार्क, आगामी विधानसभा में जीत का मंत्र देंगे जेपी नड्डा, उनके साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज गोरखपुर जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा देंगे जीत का मंत्र। 12 बजे गोरखपुर आएंगे और गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 बजे पहुंचेंगे चंपा देवी पार्क, आगामी विधानसभा में जीत का मंत्र भी देंगे नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज लखनऊ में होगी किसान पंचायत, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर किसान सभा होगी, 29 नवंबर को संसद तक मार्च निकाला जाएगा, एसकेएम की एक और बैठक 27 नवंबर को होगी, बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब आज लखनऊ में किसान पंचायत होगी, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर किसान सभा होगी और साथ ही 29 नवंबर को संसद तक मार्च निकाला जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन, लखनऊ से बड़ी खबर, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात।
इको गार्डन में किया गया प्रदर्शन। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। इको गार्डन में किया गया प्रदर्शन, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, यह प्रदर्शन किया जा रहा है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इको गार्डन में पेंशन को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ के इको गार्डन में, मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मथुरा के जिला जज आगरा के जिला जज बने, विवेक संगल आगरा के जिला जज बने। हापुड़ के जिला जज मथुरा के जिला जज बने, राजीव भारती बने मथुरा के जिला जज। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जज बदल दिए गए हैं उत्तराखंड से। अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। उत्तराखंड में 33,351 लोग हुए डिस्चार्ज, अभी भी राज्य में 192 केस एक्टिव। आज कोरोना के 11 मामले आए सामने। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, तो उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड का हेल्थ बुलेटिन सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है हेल्थ बुलेटिन। खेत जोतते समय ट्रैक्टर से हुआ हादसा, रायबरेली से बड़ी खबर, ट्रैक्टर पर चढ़ते हुआ रोटावेटर की चपेट में आया युवक, ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खेत जोतते समय ट्रैक्टर से हुआ हादसा, ट्रैक्टर पर चढ़ते हुए रोटावेटर की चपेट में आया युवक, ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। सलोन कोतवाली क्षेत्र की घटना, खेत जोतते समय ट्रैक्टर से हुआ हादसा, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।